समाजवाद की वो आवाज अब खामोश हो चुकी है, वो आवाज जिसने उन्हें बना दिया था नेताजी, सबके नेताजी। उन्होंने गरीबों पिछड़ों के दुख दर्द को बांटा, किसानों की आवाज बने तो धरती पुत्र के नाम से भी गए, खूब मशहूर हुए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव की, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। 82 साल की उम्र में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका निधन हो गया। अखाड़े की पहलवानी हो या फिर सियासी दाव पेंच, मैदान भले कोई भी हो, वे अपने विरोधियों को धोबी पछाड़ देने में कभी नहीं चूके। अब सियासत में एक पहलवान सफलता के झंडे गाड़ेगा तो विरोधी तो उसके बनेंगे ही। मुलायम सिंह यादव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक वक्त ऐसा भी आया जब मुलायम सिंह यादव की जान पर बनाई थी। कहा यह भी जाता है कि मुलायम सिंह यादव के एनकाउंटर के लिए पूरी प्लानिंग कर ली गई थी। आखिर क्या है वो किस्सा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, चलिए आज हम आपको बताते हैं। समाजवाद की वो आवाज अब खामोश हो चुकी है, वो आवाज जिसने उन्हें बना दिया था नेताजी। जी हाँ, सबके नेताजी। उन्होंने गरीबों पिछड़ों का दुख दर्द को बांटा, किसानों की आवाज बने तो धरती पुत्र के नाम से खूब मशहूर हुए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव की, जो अब हम सबके बीच नहीं रहे। 42 साल की उम्र में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका निधन हो गया। समाजवाद की वो आवाज अब खामोश हो चुकी है, वो आवाज जिसने उन्हें बना दिया था नेताजी, सबके नेताजी। उन्होंने गरीबों पिछड़ों के दुख दर्द को बांटा, किसानों की आवाज बने तो धरती पुत्र के नाम से भी वे खूब मशहूर हुए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव की, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। 82 साल की उम्र में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका निधन हो गया। अखाड़े की पहलवानी हो या फिर सियासी दाव पेंच, मैदान भले कोई भी हो, वे अपने विरोधियों को धोबी पछाड़ देने में कभी नहीं चूके। अब सियासत में एक पहलवान सफलता के झंडे गाड़ेगा तो विरोधी तो उसके बनेंगे ही। मुलायम सिंह यादव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक वक्त ऐसा भी आया जब मुलायम सिंह यादव की जान पर बनाई थी। कहा यह भी जाता है कि मुलायम सिंह यादव के एनकाउंटर के लिए पूरी प्लानिंग कर ली गई थी। आखिर क्या है वो किस्सा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, चलिए आज हम आपको बताते हैं। समाजवाद की वो आवाज अब खामोश हो चुकी है, वो आवाज जिसने उन्हें बना दिया था नेताजी। जी हाँ, सबके नेताजी। उन्होंने गरीबों पिछड़ों का दुख दर्द को बांटा, किसानों की आवाज बने तो धरती पुत्र के नाम से खूब मशहूर हुए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव की, जो अब हम सबके बीच नहीं रहे। 42 साल की उम्र में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका निधन हो गया। अखाड़े की पहलवानी हो या फिर सियासी दांव पेच, मैदान भले कोई भी हो, अपने विरोधियों को धोबी पछाड़ देने में मुलायम सिंह यादव कभी नहीं चूके। अब सियासत में एक पहलवान सफलता के झंडे गाड़ेगा तो विरोधी तो बनेंगे ही। तो मुलायम सिंह यादव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक वक्त ऐसा भी आया जब मुलायम सिंह यादव की जान पर बनाई थी। और कहा यह भी जाता है कि मुलायम सिंह यादव के एनकाउंटर के लिए पूरी प्लानिंग भी कर ली गई थी। आखिर क्या है वो किस्सा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, चलिए आज हम आपको बताते हैं। अखाड़े की पहलवानी हो या फिर सियासी दांव पेच, मैदान भले कोई भी हो, अपने विरोधियों को धोबी पछाड़ देने में मुलायम सिंह यादव कभी नहीं चूके। अब सियासत में एक पहलवान सफलता के झंडे गाड़ेगा तो विरोधी तो बनेंगे ही। तो मुलायम सिंह यादव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक वक्त ऐसा भी आया जब मुलायम सिंह यादव की जान पर बनाई थी।
और कहा यह भी जाता है कि मुलायम सिंह यादव के एनकाउंटर के लिए पूरी प्लानिंग भी कर ली गई थी। आखिर क्या है वो किस्सा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, चलिए आज हम आपको बताते हैं। ये बात 1981 से 1982 के दरमियान की है, जब यूपी के मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हुआ करते थे। उस दौरान वीपी सिंह दस्यु उन्मूलन अभियान में लगे हुए थे। कहते हैं कि इसी दौरान वीपी सिंह को एक जानकारी मिली थी कि विधायक मुलायम सिंह यादव के दस्यु गृह के साथ संबंध हैं और वे खुद फूलन देवी समेत कई डकैतों को संरक्षण देते हैं और उनसे अपना हिस्सा भी लेते हैं। इतना ही नहीं, मुलायम सिंह यादव पर हत्या का आरोप भी था। जानकार बताते हैं कि इस जानकारी के बाद मुलायम सिंह यादव का एनकाउंटर करने की प्लानिंग कर ली गई थी, लेकिन प्लानिंग की जानकारी किसी तरह मुलायम सिंह यादव तक पहुंच गई और फिर मुलायम सिंह यादव ने इटावा छोड़ने में एक सेकंड की देरी भी नहीं लगाई। कहते हैं कि अपनी जान बचाने के लिए मुलायम ने गाड़ी का भी इंतजार नहीं किया, वे साइकिल पर सवार होकर इटावा से फरार हो गए। जरा सोचिए, मुलायम सिंह यादव के लिए वो वक्त कितना मुश्किल भरा रहा होगा। एक और यूपी पुलिस उनके पीछे लगी थी तो दूसरी ओर नेताजी अकेले साइकिल पर। यूपी पुलिस ने नेताजी को बहुत ढूंढा, लेकिन नेताजी उनके हाथ नहीं लगे। सड़क और हाईवे को छोड़कर मुलायम सिंह यादव कई गांव और खेतों से गुजरते हुए दिल्ली में चौधरी चरण सिंह के घर 12 तुमलग रोड पहुंचे। मुलायम सिंह यादव ने चौधरी चरण सिंह से जान बचाने की गुहार लगाते हुए किस्सा बता दिया। मुलायम सिंह यादव चौधरी चरण सिंह की शरण में पहुंचे तो चौधरी चरण सिंह ने मुलायम सिंह यादव को यूपी विधान मंडल का नेता घोषित कर दिया। अब जो पुलिस मुलायम सिंह यादव को ढूंढ रही थी, विधानमंडल दल का नेता घोषित होने के बाद जो पुलिस मुलायम सिंह यादव को ढूंढ रही थी, अब वही पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए लग गई। लेकिन उस दौरान मुलायम सिंह यादव को पुलिस पर जरा भी भरोसा नहीं था, इसलिए वह चौधरी चरण सिंह के घर पर ही रहने लगे। ये संयोग ही था कि 28 जून 1982 को फूलन देवी ने बहमई गांव में एक साथ 22 ठाकुरों की हत्या कर दी। फिर क्या था, फिर दस्यु उन्मूलन अभियान में जोरों शोरों से लगे विश्वनाथ प्रताप सिंह को इस्तीफा देना पड़ा और जब वीपी सिंह की सरकार की विदाई हुई तब जाकर मुलायम सिंह यादव ने चैन की सांस ली। मुलायम सिंह यादव पर हत्या का आरोप भी था। जानकार बताते हैं कि इस जानकारी के बाद मुलायम सिंह यादव का एनकाउंटर करने की प्लानिंग भी कर ली गई थी, लेकिन प्लानिंग की जानकारी किसी तरह मुलायम सिंह यादव तक पहुंच गई और फिर क्या था, मुलायम सिंह यादव ने इटावा छोड़ने में एक सेकंड भी नहीं लगाया। कहते हैं कि अपनी जान बचाने के लिए मुलायम सिंह यादव ने किसी सुविधा और गाड़ी का इंतजार भी नहीं किया, साइकिल पर सवार होकर वह इटावा से फरार हो गए। जरा सोचिए, मुलायम सिंह यादव के लिए वो वक्त कितना मुश्किलों भरा रहा होगा। एक और यूपी पुलिस उनके पीछे लगी थी तो दूसरी ओर नेताजी अकेले साइकिल पर। यूपी पुलिस ने नेताजी को बहुत ढूंढा, लेकिन नेताजी उनके हाथ नहीं लगे। तो मुलायम सिंह यादव सड़क और हाईवे को छोड़कर कई गांव और खेतों से गुजरते हुए एक साइकिल पर सवार होकर दिल्ली में चौधरी चरण सिंह के घर 12 तुगलक रोड पहुंच गए, जहां मुलायम सिंह ने चौधरी चरण सिंह को जान बचाने की गुहार लगाते हुए पूरा किस्सा बता दिया। मुलायम सिंह यादव चौधरी चरण सिंह की शरण में पहुंचे तो चौधरी चरण सिंह ने मुलायम सिंह यादव को यूपी विधान मंडल दल का नेता घोषित कर दिया। विधानमंडल दल का नेता घोषित होने के बाद जो पुलिस मुलायम सिंह यादव को ढूंढ रही थी, वही पुलिस उनकी सुरक्षा में लग गई।
लेकिन उस दौरान मुलायम सिंह यादव को पुलिस पर जरा भी भरोसा नहीं था, इसलिए वे चौधरी चरण सिंह के घर पर भी रहा करते थे। ये संयोग ही था कि 28 जून 1982 को फूलन देवी ने बहमई गांव में एक साथ 22 ठाकुरों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद दस्यु उन्मूलन अभियान में जोरों शोरों से लगे विश्वनाथ प्रताप सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। और जब वीपी सिंह की सरकार की विदाई हुई, तब जाकर मुलायम सिंह यादव ने चैन की सांस ली।